लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पे जब से हाजीपुर लोकसभा से पशुपतिनाथ पारस का टिकट कटा है और ये चिराग पासवान आया है, तो हम यहां के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पासवान समाज के लोग, हम पासवान मोहल्ले में हैं, पासवान चौक पर हैं, हम बात करेंगे, हमारे से जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जुनैद हुआ मेरा नाम। ये बताइए, पासवान टोला है ये? जी, पासवान टोला है। इस बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव में जो खास करके हाजीपुर जो है, चिराग पासवान है, मां गठबंधन से अभी नाम अभी अनाउंस हुआ नहीं है। जी जी। और एक व्यक्ति और नाम आ रहा है जो निर्दलीय या अपनी पार्टी से खड़ा होंगे, राजकुमार पासवान। जी जी। तो किसके लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं, किसको इस बार मौका दे रहे हैं? जो अच्छा काम करे उसी को मौका दिया जाए। इस बार चिराग पासवान जमुई छोड़ करके हाजीपुर पे आए, क्या हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को स्वागत करेंगे? नहीं, इस बार जो अभियान है स्थानीय, ये स्थानीय कैंडिडेट आएगा, उस पर विचार मंथन बहुत जोर से चल रहा है। स्थानीय कैंडिडेट को? हाँ, स्थानीय कैंडिडेट नहीं मान रहे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, नहीं मान रहे। अरे उनके पिताजी भी हुए, वो भी हुए, उनके चाचाजी भी हुए, एक ही परिवार को एक गुलामी थोड़ी करना हम लोग को है। अरे क्या बात है, गुलामी नहीं करेंगे, अब नए चेहरे को मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? बार बार हम लोग बाहरी को यहाँ ला के जिताते हैं, हाजीपुर का बेटा है, इस बार हाजीपुर का सांसद बनेगा, पढ़ा लिखा है, सब चीज़ बनिया है। इस बार नए राजकुमार पासवान जी हैं, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये 19 में भी तीसरा स्थान पे आए थे, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इनका विजन भी है हाजीपुर के विकास के लिए। और चिराग पासवान हेलीकॉप्टर को हराना, क्योंकि वंशवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे, नवयुवक हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं हाजीपुर में और बिल्कुल उनका सपोर्ट रहेगा हाजीपुर। तो बिहार में दो सीट जो है ना बहुत ही सेंसिटिव है, हाजीपुर और पूर्णिया, पूर्णिया पप्पू यादव को लेकर के और हाजीपुर पशुपतिनाथ पारस के पत्ता को काटते हुए चिराग पासवान यहाँ पर आए हैं जमुई को छोड़ करके। तो क्या जमुई छोड़ना उनका सही डिसीजन है या गलत डिसीजन? देखिए, सब तो ठीक है, ये कि चाचा भतीजा के लड़ाई में ऐसा है कि चाचा भी फेल हो जाएंगे और भतीजा तो है, भतीजा भी फेल हो जाएंगे। हाँ, ये चलते कि यहाँ दल बदलू नेता सब ऐसा है कि कुछ कहने के लायक नहीं। तो मौका दीजिए, नया चेहरा का मौका दीजिए। नया चेहरा के देंगे किसको? हम नया चेहरा के देंगे किसी को? हाँ, का मिलना चाहिए। हाँ, एकदम मिलना चाहिए, एकदम जरूरी है। नया खानदानी नहीं चलेगा, नया चेहरा को, नया नवयुवक को आना जरूरी है और वो जो है से काम बढ़िया करेंगे। नया चेहरा में आप जैसे कि पिछले बार भी चंद्र राम थे जिन्हें, राजकुमार पासवान थे और पशुपतिनाथ पारस थे, अगर नया चेहरा को आप बुलाएंगे तो किनको बुलाना चाहते? बोलिए। हम तो चाहते हैं राजकुमार पासवान आ जाए। राजकुमार पासवान पढ़ा लिखा उसको भी? हाँ, अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चिराग के लिए, चिराग पासवान जमुई छोड़ करके आए हैं हाजीपुर, क्या जनता को दिल जीत पाएंगे? देखिए, जमुई जो है सो वो तो उनका था ही शुरू में, और यहाँ पर हैं तो अब यहाँ पर जैसा काम करेंगे उस, लेकिन रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं, ये रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं। तो क्या नए चेहरे को मौका देंगे क्या? हाँ, नए चेहरों को तो मौका देंगे, देना भी चाहिए। युवा जो है सो देश अब जो है सो युवा अवस्था में है, तो युवा लोग ही आए और नेतृत्व करें। हाजीपुर से तीन चेहरा आ रहा है, चिराग पासवान महागठबंधन से, हो सकता है चंद्र राम या आशा देवी या कोई और का नाम आ सकता है, एक खड़े होते हैं आपके पिछले बार भी खड़े होते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। तो क्या इन लोगों में से चिराग पासवान जो वंशानुगत आप लोग पीढ़ी चला के आ रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे? देखिए, इसमें जो है सो हम तो पिछला बार राजकुमार पासवान को हमने वोट दिया था, ये भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और इस बार भी अगर खड़े होंगे तो हम इन्हीं को वोट देंगे। तो अच्छा काम आपको कौन दिखे, मालिक अच्छा काम किया उसको मौका दिया जाएगा या जो काम कर चुके हैं और काम करने का मौका नहीं मिला उनको भी मौका? नहीं, जिन्हें काम करने का मौका नहीं मिला उनको काम करने का मौका दिया जाए। आप एक इंडिविजुअल नाम बता सकते हैं क्या, वोट गिरने किसको पसंद कर, मालिक वोटिंग की बात? नाम वाकिफ, नाम बताना वाजिब नहीं बनता। डर लग रहा है कि नाम? नहीं 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 नहीं, पार्टी बना के मारेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसी बात के लिए नाम लोग नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, नाम बताना वाजिब नहीं है। नाम बताना वाजिब नहीं है? नहीं सर, नहीं। लेकिन मौका किसको दे रहे हैं, जो जमुई छोड़ के आ रहे हैं वो उनको दे रहे हैं मौका या कोई नए चेहरे को मौका देंगे? नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरे को। जी जी जी। सर, भैया क्या नाम है आपका? नवीन कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बलवा कुआरी।
क्या माहौल है, मतलब लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर का क्या माहौल है? अच्छी माहौल है। और ये बात ऐसी है कि जैसे आप बोले चिराग जी के बारे में, तो उनके बाबूजी जो थे पासवान जी, रामविलास पासवान जी, तो हाजीपुर के बहुत ऐसा चीज़ है जो देखे गए हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे कि भी हमको दे और हम इनको दे। इनको दे, अच्छा मतलब उनके पिता का क्रेडिट उनको देना है। हाँ, क्रेडिट उनको देना है। चलिए चलिए, और इसमें तीन नाम आ रहे हैं, एक आरजेडी का नाम अभी शिवचंदर राम जी का अटकले हैं, अभी नाम अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन शिवचंदर राम भी खड़े हो रहे हैं, पिछले बार जो खड़े हुए थे पशुपतिनाथ पास, लेकिन इस बार चिराग पासवान खड़े हो रहे हैं, और एक खड़े हो रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए क्या? हाँ, नए चेहरे को मिलना चाहिए, मगर पूर्व उनके किए हुए को भी देखते हुए भी अति करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, हाजीपुर का पोजीशन तो ठीक है, अच्छा भी है। इसके लिए आप लोग ऐसा है कि देखिए, चिराग पासवान जब खड़ा हूँ मैं, तो उनके पापा जी का स्थान है, उन्होंने तो जन्मभूमि बना कर गया है ना, तो उनका बारिश तो वो होंगे ना, उनको मौका देंगे, मौका जरूर देंगे, ऐसी क्या बात। हाजीपुर वंशानुगत बनते रहेगा या नए चेहरे को मौका देंगे? नहीं, यहाँ पर जो है ऐसे कि वंशानुगत ही रहेगा, और यहाँ पर मतलब नया चेहरा की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं बनने जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ जो है इनके लिए मतलब चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान ही आएंगे और 100% आएंगे, वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे कि शुरू से मतलब रहे हैं, राम बिलास जी को देखे हैं, चिराग पासवान यंग लड़का है तो उनको मौका मिलना चाहिए ना, एक बार चचा थे तो चचा आए, लेकिन चचा से विरोध था और स्वयं आए हैं तो उनका सपोर्ट किया जाएगा, उनको जिताया जाएगा, वही बात है। और चिराग पासवान के अलावा भी कोई नया चेहरा आता तो उसको मौका नहीं देंगे क्या? वैसा अगर मान के चलिए, अगर वैसा लगेगा कि नहीं इनको मौका मिलना चाहिए, तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नज़र में वही एक आ रहे हैं, नया चेहरा तो कुछ नहीं हो रहा है। किसको वोट दीजिएगा, किसको? हमरा से क्या आधार कार्ड न अथी कुछ ना, वृद्धा पेंशन कुछ ना मिलेगा, तो केकरा जेकरा मन कर सीखा देबो, केकरा मन करिए, और मुझे हमरा बना देते वृद्धा पेंशन तो ठीक देब, ठीक बना देता तब हम अपन वोट रखब, वोट रखब। तो मैंने दिखाया आपको हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान या महागठबंधन के कैंडिडेट अगर शिवचंदर राम होते हैं तो, या एक नया चेहरा इंजीनियर राजकुमार पासवान, किसको जनता वोट देती है जी? बताइए कि इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान भी खड़े हो रहे हैं, अपने चाचा का मतलब पत्ता काट करके टिकट लिए हैं, तो क्या नया चेहरे का मौका देंगे या चिराग पासवान? वो लोग तो बहुत बड़का पार्टी है, अब ईमानदार और छोटा पार्टी को ना दिया जाएगा, ईमानदार छोटा पार्टी को दिया जाएगा, आपके बीच रहे। हाँ हाँ, तो ईमानदार छोटा पार्टी किसको मानते हैं? ऐसे तो राजकुमार जी जी हैं, राजकुमार जी हैं, हैं तो रेस में है क्या राजकुमार पासवान? हाँ है, रेस में है, पिछले साल भी थे वो, चलिए पिछले बार भी रेस में थे। अब देखिए कि चुनाव के वक्त जनता जो है किसे पसंद करती है, जमुई से आए चिराग पासवान को या नए चेहरे को मौका देती है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र बन चुका है लोगों के बीच में, कि आखिर चिराग पासवान जब जमुई से छोड़ कर गया है तो जमुई छोड़ने का उनका परिणाम तो उनका डिसीजन जो है, उनका जो फैसला है कितना सही है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ हाजीपुर, अगर मैं चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।